वेलकम टू माई YouTube चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस टू डेज माई रिविजन ऑफ द क्लास थर्ड ऑफ द फाइनल रिविजन ऑफ हॉली क्रॉस स्कूल नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक है ठीक है द स्मॉलेस्ट जिसे पे पहले बच्चों को पहले दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर वन थाउजेंड होगा अब यहीं पे यदि मान लीजिए ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर पूछता तो आप नाइन चार वन नाइन कर देंगे तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर आ जाएगा ठीक है यहाँ पे जैसे स्मॉलिस्ट पूछा है तो वन लिख के और तीन जीरो तो, टोटल टो, फोर टो, टो, डिजिट होनी चाहिए फिर यहाँ पर देखिए द दे प्लेस वैल्यू ऑफ द टू इन वन सिक्स टू सेवन अब टू देखिए यहाँ पे कौन से प्लेस में है वन और टेंस टेंस प्लेस में यहाँ पे टू रख के और जितना इसके आगे नंबर हो वहाँ पे जीरो रख दो तो टू इज जीरो इसके बाद क्या करना देखिए सिक्स थाउजेंड प्लस सेवन हंड्रेड प्लस फिफ्टी प्लस फोर तो इसका क्या हो जाएगा आपको इसको पूरा प्लस करोगे यहाँ पे देखिए मैंने प्लस कर रखा है तो सिक्स सेवन फाइव फोर हो जाएगा हाँ उसके बाद प्रिसेसर प्री डी -से सर प्रसर क्या होगा प्रिसेसर आप देखिए प्रिसेसर ऑफ ट्रिपल सिक्स सेवन प्रिसेसर सिक्स ट्रिपल सिक्स सेवन प्री मतलब पहले तो इसमें आप एक माइनस कर देंगे ठीक है तो आपका ये सिक्स 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 आ जाएगा अब यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग इनको सेवन जीरो सिक्स टू ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे कि चार डिजिट दे देगा इसमें बड़े छोटे होंगे लेकिन ग्रेटेस्ट तो इसमें क्या करना है आपको इसमें सबसे बड़ा देखिए सेवन सबसे बड़ा है उसके बाद सिक्स बड़ा है उसके बाद टू बड़ा है उसके बाद जीरो है तो आपका सेवन सिक्स टू जीरो आपका ये हो उसके आपका ये जाएगा उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स देखिए क्वेश्चन नंबर टू है ये जाएगा जाएगा जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर टू है अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में आप देखिए कि वन जीरो एट वन जीरो एट क्या है एन ई नंबर क्या है ये ट्रू है हाँ ट्रू है क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में जीरो हो टू हो फोर हो सिक्स हो एट हो वो क्या कहलाती हैं ईवे नंबर कहलाती हैं तो यहाँ पर वन जीरो है वन जीरो एट इज एन ईन नंबर यस क्योंकि इसके लास्ट में एट है दूसरा क्वेश्चन देखिए एक्स एक्स आई वी एक्स का मतलब होता है टेन इसका मतलब टेन तो ट्वेंटी हो गया और ये ट्वेंटी हो गया और यहां पे ये फोर है तो हो गया उसके बाद देखिए इसका होगा ट्वेंटी फाइव दिया हुआ है ये फॉल्स होगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए ट्वेंटी फोर होना चाहिए इसके बाद सी नंबर देखिए ये बी नंबर था अपना सी नंबर में देखिए वन जीरो वन इंटू जीरो करोगे तो आपका जीरो आना चाहिए इसलिए फॉल्स है क्योंकि तो हम जब किसी भी नंबर में जब किसी नंबर में आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है एट्टी वन में देखिए एट्टी वन में थाउजेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या इतना आएगा एट और फोर टाइम जीरो है जबकि हमें फोर टाइम जीरो नहीं आना चाहिए आपके जितने जीरो हैं उतने ही जीरो आना चाहिए ठीक है तो यहां पे क्या होगा एट्टी वन थाउजेंड आना चाहिए लेकिन यहाँ पे ये गलत है इसलिए यहाँ पे फॉल्स होगा फाइव फोर्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड ये डिवाइड है ठीक है डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो इसमें बोला है कि क्वेश्चन फिफ्टी फोर और आपका रिमाइंडर जीरो आएगा ये भी फॉल्स है इसको आप बच्चों करके भी देख सकते हैं चलिए, नेक्स्ट पेज, पेज कॉलम है मैच द कॉलम में आपको देखिए इसमें आपका क्या है सिक्स इक्वल फ्लैट फेस इसमें होते हैं ये आपका की वाइड है इसके बाद देखिए क्यूब है वो इस क्यूब में क्या होता है सिक्स इक्वल फ्लैट फेस होते हैं यहाँ पे क्यूबाइड देखिए क्यूबाइड में सिक्स अनइक्वल फ्लैट फेसेस होते हैं इसके बाद ये देखिए ये क्या है आपका ए स्क्वेयर है ठीक है इसमें जीरो फ्लैट फेसेस होते हैं आप इसको कैसे भी कहीं से भी घुमा के आप देखिए बॉल को घुमा कहीं से भी कहीं से भी, दे, कहीं से भी आप देखिए आपको उसी तरह दिखाई देगी उससे आप पकड़ नहीं सकते हैं कि मैंने इसका फेस कौन सा होगा इसके बाद देखिए ये क्या है इसमें टू फ्लैट फेसेस होते हैं ठीक है ठीके? ये सिलेंडर है आपका ये आपका कोन है कोन में ये नीचे वाला एक ही सिर्फ इसमें सिंगल सिंगल एक फ्लैट फेस होता है फ्लैट फेस का मतलब ये होता है कि यदि मैं उस चीज़ को एक फ्लैट सरफेस में रखूं तो उसे आराम से मैं रख पाऊं ठीक है जैसे ये मेरा ये बोर्ड है ये बोर्ड में देखिए एक फ्लैट फेस है ठीक है और यदि मैं इसको एक सिलेंडर की बात करूँ देखिए ये सिलेंडर शेप में है ना यदि मैं इसको ये ऐसा यदि इसको मैं ऐसा रखूँ तो ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला इसमें दो फ्लैट फेस इसलिए यहाँ पर बोला है कि देखिए कि इसमें दो फ्लैट फेस होते हैं सिलेंडर में लेकिन आइसक्रीम की बात करूं तो इसमें एक नीचे यदि ऊपर वाले को आप रखोगे तो गिर जाएगी तो वहाँ पे कितना फ्लैट फेस होते हैं आइसक्रीम या कोन वाले में एक फ्लैट फेस होगा उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं अपन राइड द ए एम एंड पी एम सेवन मॉर्निंग को आप क्या बोलते हो ए एम बोलते हैं फाइव इवनिंग है बच्चे इसमें थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप लोगों को रिविजन समझ लो आप ये इवनिंग लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पी एम फिर टू ओ क्लाक है ये आफ्टरनून का है इसको भी पी बोलते हैं आपको पता है कि बारह बजे के बाद जो भी है दोपहर बारह बजे के बाद हम पी शुरू करते हैं ठीक है नाइन नाइट का है तो इसको पी बोलते हैं उसके बाद एलेवन ओ क्लॉक मॉर्निंग है एलेवन ओ क्लाक आपका मॉर्निंग में मॉर्निंग में इसको ए बोलेंगे तो यहाँ पर हमारा ये भी आपका ये पेज भी कम्प्लीट होता है इसके बाद अपन सेकंड पेज में चलते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुट हमें साइन करने हैं ए ग्रेटर लेस और इक्वल साइन है यू ऑल ऑफ यू नो दैट इट्स अ टेन ट्वेंटी एंड टू हंड्रेड यहाँ पे सी की वैल्यू हंड्रेड है ये यहाँ पर सी की वैल्यू हंड्रेड दोनों को प्लस करो आप टू हंड्रेड आएगा ये ट्वेंटी है तो बताओ ट्वेंटी 20 और टू हंड्रेड में कौन सा बड़ा होगा टू हंड्रेड तो आपने क्या करना है कि जो बड़ा हो उसकी तरफ आपको ये साइन इस तरह घुमा देना है यहाँ पे देखो ये एक्स मतलब टेन ये 4, ये फोर है तो फोर्टीन और ये कितना हो गया ये ये टेन हो गया ये नाइन हो गया तो नाइनटीन फोर्टीन और नाइनटीन बताओ कौन सा बड़ा है ये नाइनटीन बड़ा है तो अपन इधर तो इसको पहले रोमन नंबर से अपन नॉर्मल नंबर में इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं उससे हम जान जाते हैं एट्टी नाइन और फिफ्टी एट सबको पता है कि इसमें एट्टी नाइन बड़ा है अच्छा इस वाले में देखिए थ्री पॉइंट फाइव और सेवन पॉइंट फाइव इसको हम कैसे जानेंगे इसके लिए मेन बेसिक ये होता है आप डिनोमिनेटर दो, दोनों के देखिए डिनोमीटर दोनों में फाइव फाइव डिनोमीटर है अब यहाँ पे न्यूमरीटर देखिए यहाँ पे थ्री है यहाँ सेवन है तो जो यहाँ सेवन आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो आप सेवन की तरफ आप उसको टर्न कर देंगे तो ये आपका ग्रेटर हो जाएगा इस वाले में देखिए थ्री सेवन थ्री टू थ्री थ्री सेवन टू अब इसमें कैसे हम देखिए कैसे कहते हैं इनको यहाँ पे थ्री है फर्स्ट डिजिट में यहाँ पे देखिए थ्री है यहाँ पे सेवन है यहाँ पे थ्री है तो कौन सा बड़ा है पहले तो आपको देखना है कि यहाँ पे चार डिजिट है तो यहाँ पर चार डिजिट है इससे अपन नहीं चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे सेकंड डिजिट में सेवन है ये ग्रेटर होगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए कलर द शेड कलर टू शेड द फ्रैक्शन अब इसमें हमें कलर करना है ठीक है तो वन अपन फोर है ये देखिए वन टू थ्री फोर इसको चार पार्ट में है इसका ऊपर वाले को हमने सेट कर देना है ठीक है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें ऊपर वाले को जब बोले सेट करने के लिए तो ऊपर वाला जो निमेटर होता है उतने पार्ट में ये नीचे वाला टोटल दिखाता है कि कितने टोटल इसके पार्ट हैं है बी में देखिए तो पहले देखिए फाइव ये एट पार्ट होंगे देखिए काउंट करिए करिएस सेवन एट अब हमें कितने में सेट करना है ये ऊपर वाला जो है इतने पार्ट हमको सेट करना होता है ठीक है उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू से रिलेटेड मैंने आपको प्लेस वैल्यू का बता दिया था कि जिस पोजिशन में आपको नंबर बोले जैसे यहां पे देखिए सेवन थ्री सिक्स टू यहां पर थ्री के नीचे अंडरलाइन किया है तो आपने यहां पे थ्री लिखना है उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें आपने जीरो जीरो कर देना है तो इसकी प्लेस वैल्यू थ्री हंड्रेड हो जाएगी अब इसमें सेम आप यहाँ आप वे आप देखिए पे देखिए आप फाइव कितना है फाइव नाइन वन टू तो फाइव रखे और जितनी डिजिट रिमेनिंग है वहां पर जीरो जीरो रख दो आपका फाइव थाउजेंड इसकी प्लेस वैल्यू होगी इस तरह बच्चों और भी प्रैक्टिस करना है रिविजन तो एक शॉर्ट वो होता है इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे राइट द टाइम एज सोन आई थिंक बच्चों से आप आप लोगों से टाइम देख देखना तो आता ही होगा क्लास थर्ड है तो यहाँ पे देखिए ये छोटा आपका जो है छोटा वाला जो है वॉच का आपका कांटा किस में है सेवन में है बड़ा वाला ट्वेल्व में है तो जब ये दोनों एक सीध में होते हैं मतलब वन एटी डिग्री इसमें जब बनता है स्ट्रेट लाइन बनती है तो जो है जो इसमें छोटा वाला आपका जो कांटा होता है उसमें जो है आप यहाँ पे सेवन शो कर रहा है यहाँ पे देखिए यह बच्चों यहाँ पे आपका स्मॉल हैंड टू पे है और जो लार्ज हैंड है वो ट्वेल्व में है तो आपका यहाँ पे टू ओ होगा इसके बाद देखिए चेंज द फॉलोइंग इसे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि चेंज द फॉलोइंग सर तो इसमें आपको कन्वर्जन याद करना पड़ेगा जैसे मान लीजिए वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर जैसे यहाँ पे है वन किलोमीटर इज इक्ल टू वन थाउजेंड मीटर तो यहाँ पहला क्वेश्चन आप करते हैं सिक्सट मीटर सिक्सटी मीटर इज इक्वल टू कितना होगा सिक्स सेंटीमीटर कितना होगा बच्चों सिक्स फोर सेंटीमीटर कैसे होगा जब भी आप बड़ी यूनिट मीटर और सेंटीमीटर कौन सा बड़ा है मीटर तो जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो आप क्या करते हैं आप वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो आप डिवाइड करते हैं इस चीज़ का आपको ध्यान देना है यहाँ पे देखिए रेट 86 को कितने पैसे होंगे अब आपको पता होने चाहिए कि एक रुपए में हंड्रेड पैसे होते हैं तो एट्टी सिक्स रुपये में क्या होगा तो मेरे को पता है कि रुपया बड़ा होता है पैसा छोटा होता है तो आपने क्या करना है कि 86 में यहाँ पे बच्चों 86 में हंड्रेड से आप मल्टीप्लाई कर दो मैंने ये बताया हुआ आपको कि एट्टी लिखो जितने जीरो है आप यहाँ पर आप रख दीजिए और एट इतने पैसे आपके ये आंसर आ जाएगा आई थिंक यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा इसके बाद देखिए फोर के में कितने ग्राम होता है 4 केजी में देखिए आपको ये पता है कि 1 केजी 1 केजी 1000 ग्राम तो ये बताइए 4 केजी में कितने होंगे तो केजी से ग्राम यहाँ पे भी जब आप ज्यादा से कम की ओर जाते हैं मैंने बताया है मल्टीप्लाई करते हैं किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 4 को 1000 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहां पे 4 तो आएगा ही और तीन इसके जीरो हो जाएंगे तो ये आपका 4000 आपका हो जाएगा इसके बाद देखिए यहाँ पर नाइन सेवन डबल जीरो पैसे अब देखिए यहाँ पे पैसा है मैंने बोला था छोटे से जब आप बड़े की ओर जाओगे यहाँ पे पैसा छोटा है रुपया बड़ा है तो जब आप पैसे से रुपए में जाओगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे रखिए नाइन सेवन डबल जीरो और एक रुपए में हंड्रेड पैसे तो जब पैसे में करोगे तो इसमें हंड्रेड से करोगे आप डिवाइड क्योंकि छोटे से बड़े में ये जीरो ये जीरो कट जाएगा और आपका नाइन्टी सेवन रुपीज़ जा आ जाएगा आई थिंक बच्चों आपको समझ में ये आसानी से आ गया होगा इसके बाद मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी थ्री ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थ्री फाइव जा पहले इसका इसका मल्टीप्लाई इसका इसका मल्टीप्लाई नीचे क्रॉस लगाते हो फिर इसका इसका मल्टीप्लाई इसका इसका मल्टीप्लाई फिर आपने इनको प्लस कर देना है आपका फाइव सेवेंटी फाइव ये आपका आंसर आ जाएगा सिक्स इंटू थाउजेंड ठीक है तो थाउजेंड ऊपर रखिए सिक्स नीचे रखिए सिक्स थाउजेंड सिक्स जीरो 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 और सिक्स थाउजेंड सिक्स इसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों राइट द फॉलोइंग अब इसमें क्या होता है वन अपॉन फाइव इसको वन अपॉन फाइव ऑफ फिफ्टीन तो आप फाइव की टेबल पढ़ो कि कितने बार में फिफ्टीन आएगा फाइव थ्री या फिफ्टीन तो ये ब्रैकेट के अंदर आपको थ्री लिख देना है उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप वन अपॉन थर्ड ऑफ सिक्स तो थ्री की टेबल कितने बार पढ़ोगे सिक्स आ जाएगा टू बार पढ़ोगे तो आप सिक्स आ जाएगा सिंपल सा है बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसके बाद देखिए बच्चों इसमें क्या है एट द फॉलोइंग आपको जोड़ना मेरे ख्याल से जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपका थर्ड स्टैंडर्ड है सिक्स फोर एट टू सिक्स वन टू वन टू इनको आप प्लस करेंगे तो वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी वन आएगा इसमें देखिए पॉइंट पॉइंट से आप घबराने की जरूरत नहीं है सेवन वन फाइव पॉइंट पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उनको सिंगल पढ़ा जाता है सेवन वन फाइव पॉइंट नाइन फाइव कभी नाइन्टी फाइव आपको नहीं बोलना है आपको क्या पढ़ना है नाइन फाइव

माइनस भी आपसे आ जाएगा उसके बाद ड्रा द सीमेट्री ठीक है ड्रा द सीमेट्री में आप क्या करोगे जैसे यहाँ पे है सीमेट्री मतलब वो हो होता है कि इसको मैं कहाँ से ऐसा ब्रेक करूँ कि ये ये पता नहीं चले कि ये दो पार्ट में है मतलब सिमिलर कहने का मतलब सिमिलर अब यहाँ पे बताओ आप कि यदि मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो इसको यदि मैं कवर करता हूँ इसके ऊपर तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी यही हो जाएगी ठीक है इसके बाद इसमें आप देखिए इसमें एक यदि सिंगल लाइन आप इस तरह कर देंगे तो ये इसका सिमेट्री लाइन हो जाएगा ठीक है जो? तो इस तरह आपको इसमें सभी में प्रैक्टिस करना है जैसे इसमें भी है ये प्रैक्टिस करना है उसके बाद रीड द पैराग्राफ एंड पिक्टोग्राफ पिक्टोग्राफ किसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ जो ये पिक्चर बनी होती है उनको बोलते हैं हम पिक्टोग्राफ अब यहां पे देखो एक्टिविटी अभी स्टूडेंट दिया है जैसे आर्ट है म्यूजिक है क्राफ्ट है डांस है स्पोर्ट है तो यहां पे देखिए लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको यहां पे आपको वॉच करना है कि एक ये जो है फोर स्टूडेंट को शो कर रहा है आर्ट में देखिए तीन है म्यूजिक में चार है तो यहाँ का मतलब ये है कि आर्ट में फोर ये ट्वेल्व माने जाएंगे ठीक है ना जी फोर एट और ये ट्वेल्व तो इस तरह आपको पूरे बनाने पड़ेंगे अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर दे आर कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे नाइन्टी टू नाइन्टी टू है तो उस सबको आपको, आपको प्लस कर लेना है उसके बाद ये जो है आपको इसके जवाब देने हैं उसके बाद विच टू एक्टिविटीज़ आर सेम नंबर तो कौन कौन सा है म्यूजिक और डांस में यहाँ पे सेम नंबर है उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट हैव टेकन डांस तो इसमें कितने स्टूडेंट हैं टेकन डांस कर रहे हैं सिक्सटीन विच एक्टिविटीज़ द मोस्ट पॉपुलर वो कौन सी है स्पोर्ट है विच एक्टिविटीज़ इज़ लिस्ट पॉपुलर कौन सी सबसे कम पॉपुलर है वो है आर्ट आर्ट सबसे कम अब ये सब हम कहाँ से निकालते हैं इन सब में आपको इसका ही पूरा रोल होता है आपको क्या करना है सबसे पहले कि इनको आपको जैसे वन टू थ्री फोर तो फोर फोर जा कितना हो जाएगा सिक्सटीन ये कितना हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव फाइव है तो फाइव फोर जा ट्वेंटी इसको कितना करोगे फाइव हाँ फाइव है ना ये फोर फोर जा ये भी सिक्सटीन हो जाएगा ये कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन फोर जा ट्वेंटी एट अब सब इनको प्लस करोगे तो आपका ये आएगा 92 टू ये, ये काम आपको पहले करना है इसके बाद ये जो है आपको ये आंसर्स देने हैं इसके बाद देखिए इसमें आपसे प्रोडक्ट है आपको यहाँ पे आपको डिवाइड करना है ठीक है ये प्रोडक्ट करना है प्रोडक्ट मतलब भी होता है आपका मल्टीप्लाई करना ठीक है तो इसके बाद बच्चों तो बच्चों उसके बाद हमारा क्या रहेगा था इसके बारे में टेबल भी पढ़ना पड़ेगा टेबल देखिए 11 टू थर्टीन हमारी आएगी एलेवन हो 11 इलेवन एलेवन टू जा ट्वेंटी टू थर्टी थ्री फोर्टी फोर एफ्टी फाइव सिक्सटी सिक्स सेवेंटी सेवन एटी एट नाइन्टी नाइन वन हंड्रेड टेन उसके बाद ट्वेल्व की टेबल ट्वेल्व हो 12 ट्वेल्व ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर ट्वेल्थ हो जाए थर्टी सिक्स ट्वेल्थ हो जाए फोर्टी एट सिक्सटी सेवेंटी टू एटी फोर नाइन्टी सिक्स वन जीरो एट और वन थर्टी वन ट्वेंटी तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए गड़बड़ है ट्वेल्व टनजा वन ट्वेंटी होता है थर्टीन थर्टीन वन जा थर्टीन थर्टी टू जा थर्टी सिक्स थर्टी थी जा थर्टी नाइन थर्टी फॉर जा फिफ्टी टू थर्टी फाइव जा सिक्स फाइव थर्टीन सिक्स जा सेवेंटी एट थर्टीन सेवन जा नाइनटी वन थर्टी एट जा वन जीरो फोर थर्टी नाइन जा वन वन सेवन थर्टी टन जा वन थर्टी तो ये टेबल आपके जो है रिवीजन में आना है उसके बाद यहाँ पे बच्चों ये जो है मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बाद यहाँ पे देखिए फाइनड डिफरेंसेस हमें निकालने हैं नाइन नाइन सेवन लीटर थ्री फोर फोर मिली लीटर सिक्स हंड्रेड फोर्टी फोर लीटर तो यहाँ पे आपको लीटर के नीचे लीटर और मिली लीटर ऐसे लिख लेना है और यहाँ पे आपको जो है इनको डिफरेंस का मतलब होता है आपको माइनस करना है ठीक है फोर माइनस थ्री वन फोर माइनस टू टू थ्री यहाँ पर लीटर लीटर लिख लेंगे एम एल लिख लेंगे सेवन फोर सेवन माइनस फोर थ्री नाइन माइनस फोर थ्री नाइन माइनस सिक्स थ्री तो यहाँ पर आपने इस तरह लिखना है उसके बाद डिवाइड बच्चों आपके में आएगा सिक्सटी एट पॉइंट फो बाई टू देखिए टू थ्री झा सिक्स यहाँ पर आपने एड किया टू फोर या एट ये आ गया आपका पॉइंट आप इसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए टू टू या फोर फिर आप इसे जीरो को डाउन करिए यहाँ पे जीरो ये हो गया तो आपका थ्री फोर पॉइंट टू जीरो तो इसका आंसर कितना आया थ्री फोर पॉइंट टू जीरो इसका क्वेश्चन थ्री फोर पॉइंट टू जीरो आया दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे आपका क्या है सिक्सटी एट पॉइंट फोर जीरो है टू थ्री जा सिक्स एट किया टू फोर जा एट इसके बाद आपने यहाँ पे यह पॉइंट लगा है आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है इसके बाद टू टू जा टू टू जा फोर टू टू जा फोर ये इसके बाद जीरो, ये जीरो आपका आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस बार बच्चों को कन्वर्सन में थोड़ा सा दिक्कत होती है जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है थर्टीन किलोमीटर थ्री थ्री हंड्रेड थर्टी मीटर है अब इसको कन्वर्ट हमें किसमें करना देखिए यहाँ पे मीटर में हमें कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट में करना है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है इस मीटर वाले को कुछ भी आप मत करो इस मीटर वाले को कुछ भी मत करो किलोमीटर से आप चेंज करना है किलोमीटर किसमें कि चेंज करना है मीटर में तो इसके लिए आप क्या करेंगे आप देखिए आपको पता है कि वन किलोमीटर वन किलोमीटर इज इक्वल टू वन थाउजेंड मीटर तो आपको बताइए थर्टीन किलोमीटर इजिक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे थर्टीन थाउजेंड मीटर फिर क्या करेंगे आप वो इसी स्टेप में आ जाना है देखिए थर्टीन थाउजेंड आपका पहले से क्या है ये मीटर हो चुका है थ्री थर्टी मीटर पहले से था अब जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा तो इस तरह से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आपने ये करना है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्टी पैसा फिफ्टी पैसा ठीक है उसके बाद रेट टेन अब इनको मिला के कितने रुपीस हो जाएंगे तो फिफ्टी पैसा फिफ्टी पैसा एक रुपये होता है उसके बाद टेन रुपये पहले से था आपके पास तो इसको आप आर एस एलेवन रुपीज़ लिख सकते हैं आर एस एलेवन है फाइंड द प्रोडक्ट वन सेवन टू थ्री इंटू फाइव आपको ये करना है मल्टीप्लाई बच्चों को घर में प्रैक्टिस करना है ठीक है ये आप क्वेश्चन लिख के दो या तीन बार इसको इसकी प्रैक्टिस करिए इसके बाद देखिए कलर द पार्ट एज अ इंडिकेटेड अब इसमें आपको इस तरह के फिगर्स दिए होंगे इनमें आपको कलर करना है क्या दिया रहेगा क्वेश्चन देगा वन ऑफ थ्री ऑफ ट्वेल्व मैंने बच्चों बताया था कि इसमें आपको पढ़ना है कि थ्री में कितने बार पढ़ोगे टेबल की ट्वेल्व आ जाए थ्री फोर जा ट्वेल्व अब क्या करना है आपको फोर आ गया आंसर तो आपको यहाँ पे फोर में आपको सेट कर देना है कितने में जो आंसर आया फोर में आप इसको कलर कर दो आप ऐसे बहुत ज़्यादा डिजाइन में हमें बर्बाद नहीं करना है उसके नंबर्स नहीं होते हैं उसके बाद द फेवरेट कलर एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके पास ये है